हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। न्यूज़पेपर में एक न्यूज देखी, वो पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरखोदा से संबंधित थी। यहाँ जो है स्कूल में दो महिला अध्यापकों का काफी आपस में गाली गलौज लड़ाई झगड़े का मामला सामने आया और फिर मैंने इसमें तुरंत न्यूज पढ़ते ही इस मामले की संज्ञान लेने के लिए मैं स्कूल में पहुंची, तो वहां मुझे प्रिंसिपल जो है निर्मल धनेरवाल जी मिले और बाकी इनका पूरे स्टाफ से और बच्चों से, काफ़ी बच्चों से भी इस मामले की मैंने छानबीन करने की कोशिश की। तो इसमें यही पाया गया कि स्टाफ के काफ़ी सदस्यों ने भी मुझे बताया कि एक महिला अध्यापक का व्यवहार जो है स्टाफ के काफ़ी लोगों से जो है अच्छा नहीं सुनने में मिला और उस अध्यापक ने दूसरे अध्यापक का गला वाला पकड़ के अच्छे से मारपीट की और काफ़ी जो है स्कूल के माहौल को डिस्टर्ब किया। बच्चों को भी जो है एक तरह से इस बात से डिस्टर्बेंस हुई क्योंकि कई बच्चे 9th क्लास के मेरे पास खुद ही खुद निकल के आए और जो है उन्होंने ये बताया कि उनके सामने जो है एक अध्यापक ने जो है दूसरी अध्यापक के साथ जो है बहुत बुरी तरह गाली इस्तेमाल की है, हाथ पापाई भी की है, मारपीट भी की है और फ़ोन में जो है एक जेंट्स अध्यापक उनकी वीडियो बनाने का काम भी साथ में उनको सहयोगी मैं कहूँगी रहा इसमें। और यहाँ देखने को यही मिला कि एक महिला और एक पुरुष अध्यापक मिलकर निश्चित रूप से मुझे लगा कि स्कूल में कुछ ना कुछ माहौल को ख़राब करने का काम किया हुआ है। प्रिंसिपल को वो प्रिंसिपल ना समझ कर उन्हें भी डराने धमकाने और डर का माहौल खौफ का माहौल एक प्रिंसिपल के लिए यहाँ क्रिएट किया हुआ है। खुद प्रिंसिपल मैडम ने मुझे कहा कि मुझे यहाँ अनसेफ सा थोड़ा फील होता है ऑफिस में, जिस तरह की उन्होंने कल हरकत जो है ऑफिस में आके की और काफ़ी प्रिंसिपल मायूस और मुझे, मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोलूँगी, उनकी आँखों में काफ़ी आंसू भी मैंने देखे। तो इसका जो है संज्ञान लेते हुए मैंने डीओ सोनीपत से भी बात की जो कि नवीन गुलिया जी हैं हमारे, उन्होंने मुझे बताया कि इस मामले की पूरी जानकारी उनको निश्चित रूप से है और उन्होंने इसको जो है सॉल्व आउट करने के लिए कमेटी का भी गठन किया है और आज जो है आफ्टर स्कूल टाइम के बाद ताकि बच्चों की शिक्षा जो है डिस्टर्ब ना हो इस कमेटी की जो है मीटिंग भी होगी और जो भी मामले में कार्रवाई बनेगी निश्चित रूप से जो है डीओ साहब करेंगे। महिला आयोग जो है इसमें बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करेगा, जिसकी भी गलती मिलेगी निश्चित रूप से उस पर जो है कार्रवाई की मांग करेगा और कार्रवाई करवाने का काम करेगा। हाँ, पूरे स्कूल में मैंने जो है देखा और प्रिंसिपल से भी जो है जांचा परखा, पूरे स्कूल में मुझे कहीं कोई कैमरे नज़र नहीं आए और जहाँ शिक्षा का क्षेत्र है, जहाँ हमारी इतनी फीमेल टीचर्स हैं, जहाँ हमारे छोटे बड़े सारे बच्चे हैं, आज जो है निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए कैमरा जो है एक इवन बस और गाड़ी तक में कैमरा की व्यवस्था, इतनी बड़ी संस्था में कैमरा ना होना भी अपने आप में एक जो है सोचने वाली बात है। तो मैंने मैडम को कहा सबसे पहले जो है कैमरे की व्यवस्था यहाँ कराई जाए ताकि भविष्य में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उस वो जो है ना घटित हो, अगर हो भी जाती है तो उसको जो है हम दूध का दूध और पानी का पानी हमारी कैमरा जो है वो करने में मदद कर सकते। मेरा नाम निर्मल धनेरवाल है, मैं सितंबर 2022 से इस विद्यालय में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। कल का जो इंसिडेंस है ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि दो अध्यापकों के बीच शिक्षा के मंदिर में लड़ाई होना, गाली गलौज होना, मारपीट होना, निसंदेह ये एक निंदनीय कार्य है जो कि नहीं होना चाहिए था। एक अध्यापिका ने दूसरी अध्यापिका के साथ आरोप लगाए हैं, मारपीट की है, अध्यापिका द्वारा उनकी FIR दर्ज हुई है, उनको काफ़ी चोट आई है और मामले की जांच चल रही है। हमने अपने स्तर पर अपने खंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी को इस बारे में सूचित कर दिया है और महिला आयोग की टीम आज विद्यालय में आई थी और क्योंकि वो न्यूज़पेपर में ये इंसिडेंस चला गया तो मैडम न्यूज़पेपर से वो इन्फॉर्मेशन लेके आज सुबह विद्यालय में पहुँची थी और उन्होंने पूरा मामला अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, फीमेल स्टाफ से बात की, मेल स्टाफ से बात की, इवन बच्चों से बात की। तो अपने स्तर पर वो इन्वेस्टिगेट करके आज भी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया है जो इस मामले की जांच आज करेगा। तो जांच में जो भी अधिकारी या जो भी प्राध्यापिका दोषी पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर बिल्कुल ये मैं मानती हूँ कि कैमरे निसंदेह होने चाहिए क्योंकि स्कूल का जो बिल्डिंग थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी निर्माण कार्य चल रहा है। मेरी पूरी प्लानिंग है सर इस स्कूल को हम बहुत जल्द इसमें CCTV कैमरे लगाएंगे जो कि एक स्कूल में आवश्यक रूप से होने चाहिए। इस घटना के बाद मैंने ऑर्डर कर दिया है और विद इन 2 or 3 days पूरे कैंपस में कैमरे लग जाएंगे और नई बिल्डिंग में जब वो तैयार हो जाएगी उसके बाद लगवा दूँगा। मंजीत कौर है और मैं स्कूल में
इंग्लिश की टीचर हूँ पीजीटी। परसों सिक्स पीरियड में मैं इस क्लास में पढ़ा रही थी। उसके बाद जब मैं सेवन्थ में अपने ट्वेल्थ क्लास में गई तो रितु बायो मेरे क्लास में वीडियो बना रही थी और बच्चों से जबरदस्ती नाम निकलवा रही थी कि बताओ कौन सी टीचर का पीरियड जबरदस्ती। हाँ बरवारी 15 मिनट हो गए ना, फेल हुए हो गए ना 15 मिनट। मैंने इग्नोर कर दिया, वो मेरे बराबर से निकली। अगले पीरियड में एक ही मिनट हुई थी, वो इस क्लास में आके नाइन्थ क्लास में बच्चों से जबरदस्ती बुलवा रही, बताओ बच्चों कितनी देर होगी, बल बहुत देर होगी ना, कोई किसकी क्लास है, क्लास खाली है ना। और मैं वहाँ से आ रही थी कॉरिडोर से, मैंने उसको रोका कि भाई बना ली वीडियो तुझे, थोड़ी सी भी वो तो है ही नहीं। उसकी खुद की क्लास इधर पैरेलल में थी नाइन्थ क्लास में, अपनी छोड़ के क्लास छोड़ के वो मेरी वीडियो बना रही थी। उसके बाद उसने मेरे साथ गाली गलौज शुरू कर दिया, तू गंदी तू गिरी हुई, और गला पकड़ा धक्का मारा। ये इधर सारे हाथ में मेरे चोट लगी हुई है, ये देखिए नाखूनों के खरोंच, ये सारा हाथ सूजा पड़ा। गला पकड़ा, गाली गलौज की, मारपीट की। और फिर उसके बाद जब प्रिंसिपल मैम आई तो उन्होंने प्रिंसिपल मैम के साथ भी बहुत जाति सूचक शब्द कह के गाली गलौज की बहुत बुरी तरह से। तुझे भी देख लूंगी, तेरी चढ़ाई हुई है, तो तूने ये कर रखा है, तूने सत्यानाश कर रखा है, तेरा नाश करूंगी। और मैम के साथ भी आतापाई करने की कोशिश की थी। सर उन्होंने यही कहा कि सारी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।